हो गया है ठीक ठाक। इससे पहले अस्सलाम वालेकुम करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका आने का मेरे। हमने नई टेबल दी थी, फिलहाल अभी भी गेस्ट नहीं आए हैं, मैं उन्हीं का ही वेट कर रही हूं। फिर रिद्धिजान नेक्स्ट सैटरडे मैं आपके घर आऊंगी। अरे जनाब टोली आ गए और अब बाकी का व्लॉग अली। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल सारा जवाब फैमिली व्लॉग। एकदम बिंदास अल्हम्दुलिल्लाह से। और रिश्तेदारों कैसे हो? टिकटा को पीछे से आवाज़ तो आ ही रही होगी। मैंने सोचा कितने दिन से व्लॉग शूट रही हुआ, तो आज जैसा भी होता है कर लेते हैं। आज जी मेरे घर आ रहे हैं मेहमान। मेहमान कौन आ रहे हैं सॉरी वो मैं आपको नहीं बता सकती, थोड़े पर्सनल मेहमान है। बस उनके आने की तैयारी शैयारी चल रही है जनाब। खाना शाना बन रहा है। खाने में क्या बन रहा है? खाने में बन रहा है जी मटन बन रहा है ब्लैक पेपर वाला, काली मिर्चों में बनी हुई लाहौरी हांडी, साथ में बन रहा है जी पुलाव और उसके साथ साथ माश की दाल बन रही है जो कि हमारे मेहमानों की फेवरेट है जनाब। तो बस कुछ लोग आ रहे हैं हमारे घर पे, हमारे बहुत करीबी हैं, बहुत प्यार वाले हैं, बड़े अरसे के बाद आ रहे हैं, तो उन्हीं के आने की तैयारियां शैयारियां चल रही हैं। अभी साफ़ सफाई भी होने वाली है थोड़ी सी, तो मैंने कहा कि चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ। बाहर जाऊँगी तो प्रेशर का शोर आएगा, लेकिन आपको एक हाल दिखा दूँ किचन का। एक सेकेंड रुके, ये चेक करें, उस साइड पे पुलाव है, इस साइड पे मटन है, वो पीछे दाल भीगी पड़ी हुई है जो कि मेरे अजीजों ने खानी पीनी है जिन्नाब। तो ये जिन्नाब अब अपने ब्लॉग को हम लोगों ने कर ही लिया स्टार्ट, तो हमारे साथ ही रहेगा। अली गए मैं शॉप पे, वो मुझे चीज़ें देके चले गए थे, जैसे ही आते हैं तो उनसे भी मिलवाती हूँ, और जब मेहमानों के लिए दस्तरखान लगेगा तो वो भी कोशिश करूँगी दिखाऊँ। अगर उनको ना दिखा सकी तो मेहमानों के बच्चे तो जरूर दिखाऊँगी। मेरे साथ ही बने रहेगा, आ जाएंगी किचन में जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं, खाना शाना बना लेते हैं। जब खाना शाना बन जाएगा तो आपको उसकी भी फाइनल लुक दिखा देंगे, मेरे साथ ही बने रहिएगा। तो क्या जनाब माजरा कुछ यूँ है कि ये है जी मटन जो कि मैंने निकाल कर यहाँ रख दिया है यखनी में से, और अभी मटन का मसाला हो रहा है रेडी। ओके रेसिपी फिर कभी शेयर करूँगी। ये आ गया मेरा आलू और चने का पुलाव, ठीक है। ये मैंने बच्चों के लिए स्पेशल बनाया है कि अगर वो राइस खाना चाहें तो वो खा सकते हैं, जिसमें बिल्कुल लाइट सी लगा लें आपके ब्लैक पेपर या फिर है क्या उसे कहते हैं रेड चिली पाउडर, सॉरी मैं भूल गई थी। और मेरी माश की दाल तो ये है जनाब भीगी भीगी। मैंने सोचा एक राइस हो गए एक मटन हो गया तो बेहतर है कि एक साथ में हम लोग माश की दाल ही कर लेते, क्योंकि ये बहुत शौक से खाई जाती है। तो बस ये आधे घंटे के अंदर अंदर माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खाना हो जाएगा रेडी। और उसके बाद जनाब हम लोग यहाँ से नीर एंड क्लीन कर लेंगे, जो आप ये देख रहे हो कितना ज़्यादा मेस है, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा और फिर रेडी शेडी होकर आपको मिलते हैं। आप लोगों ने कहीं भी नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना, स्टे अवे। ओके जनाब, तो आपको बहन की स्वेटिंग से तो अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि खाना बन चुका है। मेन्यू दिखा दूँ क्या ख्याल है? चले आए दिखाती हूँ। ये आ गई जी मीठे में हमारी सबसे पहले प्योनिया, ये आ गई जी हमारी माश की दाल, ये आ गया जी हमारी मटन की कढ़ाई अल्हम्दुलिल्लाह से जो कि मैंने इंडियन स्टाइल में बनाई है, और यहाँ पे आ गई रोटी है, और ये जनाब हमारा आलू और सफ़ेद चनों का पुलाव, ठीक हो गया जनाब। तो ये आ गया जी मेन्यू, मेन्यू ऑल सेट है। अब चलते हैं ज़रा अपने आप को भी थोड़ा निखार लेते हैं, साफ़ सफाई कर लेते हैं घर की, और खुद को ज़रा थोड़ा सा संवार लेते हैं, और बच्चों को भी संवार ही देते हैं, ठीक है जी। तो बस अपना काम शाम करते हैं, तैयार होकर फिर आपको मिलते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा, तब तक अली भी आ जाएंगे। ओके जनाब, तो बहन आपकी रेडी शेडी हो चुकी है एकदम छक्कास फिटफाट अल्हम्दुलिल्लाह से, बस अली के आने का इंतज़ार है। बच्चे भी रेडी हैं, बच्चे दिखा दूँ, आ जाओ बच्चों इस साइड पर, उस साइड पर आओ बच्चों को, अभी तक मेरे बच्चों को कैमरे में नहीं आना है। हाय मेरे बच्चे कितने सीधे हैं। ये आ गई नैनी ज़ारा, सयाम अली आप भी आ जाओ जल्दी 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 जल्दी। ये आ गया हमारा सयाम अली, अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग बिल्कुल रेडी शेडी हैं, बस अब आना है मेहमानों ने और अली ने घर पे वापस आना है, तो उसके बाद हम लोग अपने डिनर को रेडी शेडी हमने कर लिया है, प्रिपेयर करके मतलब कि डाइनिंग पे लगा के अच्छे तरीके से टेबल पे लगा के खाना खाएंगे इंशाल्लाह। मेरे ससुर बटा उतर जाएगा बच्चो, ठीक है जी। तो क्या कर लेते हैं कि आपको मैं रूम भी दिखा दूँ, नीट एंड क्लीन है, देखो चो ये नैनी का ड्रेस तो चेक करें माशाल्लाह,
शामू का भी। ये जी मेरा सारा रूम और स्पाइट से सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह से A1, आपकी बहन ने सब कुछ कर दिया। बस जनाब अली आते हैं तो फिर तैयारी करते हैं बाकी की चीज़ों की, यानी कि खाने को टेबल पे लगाते हैं और मेहमानों का भी इंतजार करते हैं। जैसे ही मेहमान आते हैं फिर मेहमानों से भी आपको मिलवाते हैं। कोशिश करूंगी कि मेहमानों से आपको मिलवा सकूँ, अगर ना मिलवा सकी तो बच्चों से तो ज़रूर मिलवाऊंगी। मेरे साथ ही बने रहने, आज जरा आपको ब्लॉग ऐसे ऐसे करके ही मिलेगा, थोड़े पोर्शन में मिलेगा लेकिन मिलेगा ज़रूर, हमारे साथ ही रहिएगा। तो जनाब मैंने सोचा कि ऊपर वाले पोर्शन के साथ साथ नीचे वाला भी दिखा दिया जाए कि अल्हम्दुलिल्लाह से नीट एंड क्लीन है। बस ये मेरे बच्चों की टॉयज है और वो मेरा दुपट्टा है। आपकी बहन ने अभी जो है वो मास्क नहीं लगाया हुआ, और देखें मुझे अपनी टेबल बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसके नीचे उन्होंने बर्तनों की स्पेस भी दी है। मेरे ख्याल से आप लोगों ने मेरी टेबल नहीं देखी, देख लो जनाब हमने नई टेबल दी थी। फिलहाल अभी भी गेस्ट नहीं आए हैं, मैं उन्हीं का ही वेट कर रही हूँ। बस 5 मिनट में वो कह रहे हैं हम पहुँचने वाले हैं, जैसे ही पहुँचते हैं फिर खाना लगाते हैं और आपको मिलवाते हैं। जनाब टोली आ गए हैं और अब बाकी का व्लॉग अली जरा 5-10 मिनट के लिए कंटिन्यू करने वाले हैं। इसी कैमरे को आप अपनी तरफ घुमा लीजिए, मुझे बचाते हुए। तो जनाब मैं आ गया हूँ फाइनली अपनी शॉप से घर। जारा ने आज बड़े मजे मजे के खाने बनाए हुए हैं, जरा नहीं आ रही मैंने दिखाया कि मैंने बनाया। आज तो घर पूरा पकड़ा नहीं जा रहा, शीशा हुआ घर। खाना मैंने माश की दाल बनाई है, मटन की कढ़ाई बनाई है और उसके बाद मैंने वो सफेद चने और आलू वाला पुलाव बनाया है और मीठे में फियोनिया बनाई। ओके माशाल्लाह गुड, ठीक है। और कहाँ रह गए जिन्होंने आना है वो? ऑन दी वे, अभी बात हुई हम लोग रास्ते में हैं किनाल पे और आ रहे हैं। चलो ठीक है, बातचीत करो यार लोगों से आपने। आप यार ओके जी, अली आ गए, रोटियां भी आ गई हैं, मैं जरा हॉटपॉट में रोटियां रख लूँ और फिर आपको मिलती हूँ। यार अली और बच्चे चले गए हैं दूध लेने के लिए, चाय के लिए, और एक तो कसम से मेरा मास्क ही बार बार घूम रहा है, पता नहीं क्यों आज क्या हो रहा है। मेरा मास्क एक जगह पर टिक ही नहीं रहा है, कभी कहीं चला जाता है कभी कहीं चला जाता है। अब जिससे पहले मैंने मास्क लगाया था पता नहीं कहाँ घूम गया, लेकिन शुक्र है कि ये मिल गया है। तो बस यही कह रही थी कि बस अब यार मेहमान आ जाए तो फिर उसके बाद हम लोग खाना छाना खाएं। भूख मुझे भी बहुत जोरों की लग रही है, बस उन्हीं के आने के वेट है। आ जाएंगे अब स्पेशल लोग हैं तो वेट तो करवाएंगे ही ना भाई। बाकी सुबह इंशाल्लाह जो मेरा आपको कल का ब्लॉग मिलेगा वो सुबह हम लोग नाश्ते पर जा रहे हैं मेरे फादर इन लॉ के साथ, उन्होंने हमें इन्वाइट किया है कि भाई आप लोगों ने चलना है मेरे साथ और साथ साथ में ब्लॉग भी ज़्यादा तुमने बनाना है। मैंने कहा ओके डन है, चले जाएंगे और ब्लॉग भी बना लेंगे। फिलहाल वही बात आ गई कि अभी हम उनका इंतज़ार कर लेते हैं, जैसे ही वो आते हैं खाना शाना लगाते हैं। अली अभी आए थे, मुझे कहते हैं ज़रा मैं फ्रेश हो क्या हूँ, बेचारे अभी आए और मैंने उन्हें बोल दिया अली चाय के लिए तो दूध है ही नहीं, आप फिर जाओगे सब बैठे होंगे, आप अभी जाके ले आओ, तो बेचारे दूध लेने के लिए चले गए। हाय अल्लाह कैसे, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत 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 माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें नज़रें बच से बचाए, बहुत अच्छे हैं। बस अभी आते हैं सब, वही इंतज़ार तो मैं कर ही रही हूँ, सब आते हैं खाना लगाते हैं, खाना खाते हैं और फिर आपको मिलते हैं। वापस आ गए लेकिन अभी तक मेहमान नहीं आए हैं। जब ये लोग ब्लॉग देखेंगे ना कहेंगे अंजारा ने बड़ा याद किया है। ओके मेले नहीं लाए, अच्छा अब अपने अपने केक दे रहे हैं, ठीक है मेरे लिए केक लेके नहीं आए। मैंने नहीं खाना खाओ खाओ, मैंने नहीं खाना। देखो एसी ऑन था, आते ही अंदर रूम में डायरेक्ट एसी में। जब लगवाएंगे तब दिखाएंगे, जब लगवाएंगे कहाँ आ गया दूध। लो जी यार दूध चूध भी बॉइल कर ले ना, और खाना मैं हल से गर्म कर लेती हूँ, पहुँचने वाले ही होंगे ना। चलो यार दूध बॉइल कर लेते हैं, अभी वो पहुँचने वाले हैं और खाना भी चट से गर्म कर लेते हैं, फिर आपको मिलवाते हैं उनसे। ये देखो जी हमारे गेस्ट आ गए हैं। हेलो रेहान फिरोज, हेलो आपो मेरी जान, ये आ गए हैं, बड़े नहीं हम ला सकते, लेडीज को तो हम ला ही नहीं सकते ना व्लॉग में, लेकिन ये हमारी जान आ गई। आपो जान कैसी हो आप? ठीक हो? बहुत वेट करवाया आपने। कौन 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 सा बच्चा? वो हमारे भाई की आ गई गाड़ी, ओए 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 ओए, वो पीछे खड़े हैं तकी भाई, और ये आ गए मेहमान। अब भाई मेहमान नहीं, घर वाले, अभी हम लोग फटाफट खाना खा लेते हैं, ठीक है रेहान भाई? खाना खा के ये तो नए नहीं जा रहा है, ठीक है शिरोज भाई पहले खाना खा लेते हैं, बाकी का व्लॉग बाद में बनाएंगे। ओके ओके कर दो, ओके कर दो, ओके ओके चलो ठीक है। चलो बताओ मेहमान आ गए, मेहमान आ गए यार, जरा वो कैमरे कैमरे के सामने नहीं आते ना, इसलिए हम कैमरा नहीं लेके जाना, बच्चों को मैंने दिखा दिया। चलो चलो आप लोग खाना खा रहे हैं सारे,
खाना खाने के लिए बस महल से ब्रेकर हो गया होगा, मैं करके आती हूँ मुझे खाना खा के। तो ले जी मेहमानों ने खाना खाना खा लिया है, चाय ज़रा चाय चाय बनती है, फिर चाय चाय खाएंगे लोग, चाय चाय पियेंगे जा रहे हैं। खाना खाना खा लिया, खाना बहुत मज़े का था, स्पेशली ये दाल और मटन। बहरहाल खैर अब आप चाय बनाए, चाय बनाए उसके बाद फिर हम आपको बाकी के व्लॉग में कंटिन्यू करते हैं। अब हो गया है टी टाइम हो गया, चाय पीते हैं। देखिए गुलाब ये आ गए हमारे तक कि भैया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जाने का टाइम आ गया, लेकिन अब जाते जाते ये आप हेलो हाय कर देंगे सबको, सारे आपको पसंद करते हैं, सब आपको देखते भी हैं। कुछ कुछ कह ही दे, मेरे बचपन के ये दुख दर्द के साथी हैं, ये मेरे ले जी अभी बच्चे जा रहे हैं। जी जी मेरी जान जी, कजन भी है, क्या चीज है ये हमारी हाला, हम हाला के सिर्फ हाथ दिखा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम हाला, अभी तो हाला जा रही है। ओके अल्लाह हाफिज़ हाला। प्रीति जान, प्रीति जान कुछ बोलो ना जान। मैं बस यही कहूंगी कि बहुत मजा आया आपके घर आके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आमीन आमीन। आए भी बड़ी देर के बाद, ये आ गया फिरोज। चलो बाकी बच्चों से नीचे जाके मिलवाते हैं आपको, चलो आओ नीचे। हाँ जी दिखाती हूँ रिद्धि जान, आप जा रही हैं फिर? रिद्धि जान नेक्स्ट सैटरडे मैं आपके घर आऊंगी, फिर हम स्टे करेंगे, फिर और मजा करेंगे। आ जाएगा मेरी जान, आ जाएगा मेरी जान। श्याम आप आओगे? लेके आएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। किसी दिन जिस दिन मैंने फेस रिवील किया ना, मैंने अपनी सारी वो जो मेरी, तुम लोग क्या लगती है जिठानी है, मैं देवरानी, देवरानी मैं अपनी देवरानी का भी फेस रिवील कर देना ए वली दा, दीदी जान दा। ये मेरे भाई की गाड़ी आ गई है। ओके जी अल्लाह हाफिज। ओके रिदा अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। शेख साहब की गाड़ी आए, अल्लाह हाफिज, अल्लाह। ओए जितना आपका मेहमान यहाँ पर जा चुके हैं, और वैसे हमने जितना गॉसिप किया है, और पता है मैंने ना उनके बैठे हुए कोई काम नहीं करा, मैंने कहा अच्छा मजे की बात है, मजे की बात है। मेरा बचपन का कजन है, मामू का बेटा, और बहुत प्यार है मैं उसके साथ, और फुल टाइम हमने चिल किया, एंजॉयमेंट किया, और चंद घंटों के लिए आए थे, लेकिन हमने खाना अच्छा खाया, फुल चिल किया। ये जो हमारा वीकेंड है, अभी सुबह का प्लान किया, सुबह आपके अब्बू ने नाश्ते का करा दिया इसी व्लॉग में, अभी नहीं नहीं अब अमिया एंड कर, ओके नए व्लॉग में हम आपको। तो जिना थकान छकान तो अपनी जगह पे, उसका इतना एहसास नहीं होता, जब आपको मिलने वाले अच्छे लोग हों, आपके रिलेटिव आपके रिश्तेदार अच्छे हों, तो आपको बिल्कुल एहसास नहीं होता। मैं आप लोगों को बताती चलूं कि ये मेरे इन लॉज की फैमिली की तरफ से आए, मेरे बड़े मामू जो इंतकाल फरमाए हैं, जिनका मैं अक्सर जिक्र करती हूँ मामू ताहिर का, लेकिन यकीन करें मौला गवाह है, मैं ये नहीं कि मैं व्लॉग उन्होंने देखना है या मैं बना रही हूँ, तो मैं कह रही हूँ व्लॉग से हटके भी ये मुझे मेरे मायके वालों की तरह ही लगते हैं। ये मेरा दोस्त भी है, भाई भी है, मेरा कजन भी है, ये जाना है इससे बच्चों से प्यार है, और तक्की भाई वगैरह हो गए इनकी पूरी फैमिली की, मामू ताई की पूरी फैमिली, जब मामू खुद भी थे तब भी, तो मुझे कभी लगा ही नहीं कि ये मेरे मतलब ससुराल वाले, मुझे मामू ने भी हमेशा बेटियों की तरह ही प्यार किया ना अली, और बिल्कुल। इसी तरह मुझे इन लोगों ने भी प्यार दिया। यहाँ पर मेरे ख्याल से अब हमें अपने के भाग दौड़ वाले ब्लॉग को एंड कर देना चाहिए, सुबह दोबारा मिलेंगे, यहाँ पर करते हैं हम अपने ब्लॉग को एंड। प्लीज सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट एंड लाइक द व्लॉग, व्यूज भी अच्छे अच्छे चाहिए मुझे, व्यूज तो यार बाकी आप मुझे ना, मैं खराब मोबाइल के साथ बना रही हूँ व्लॉग, समझ आइए ना मुझे, व्यूज पे वाकई कंजूसी चल रही है, इसलिए फिर हम लोग व्लॉग से यकीन करें थोड़ा सा ना, आजकल हम चालू हो पड़े। खैर आपका प्यार है, आप हमारी फैमिली है, लेकिन फुल प्यार देने सपोर्ट कर रहे हैं, लव यू सो मच, और अपनी दुआ में याद रखिएगा, मौला आप सबको शादाबाद रखे, और अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे फिर एक अच्छे से व्लॉग से, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मान लाला मौला की मान में या वारिस, फिर से अल्लाह हाफिज, बाय।